बिसम उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे पंजाब बोर्ड्स के तमाम चेयरमैन ने एक बहुत ही अहम फैसला किया है स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के हवाले से इसके अलावा इसी मामले पर सिंध बोर्ड ने भी इत्तफाक किया है और वो भी इसके ऊपर जो है ना वो कोई पॉलिसी उन्होंने तैयार की है ये मामला है चिटिंग केस का जैसा कि आपको पता है कि पेपर लीक आउट होना चिटिंग केसेस और बाकी जो भी मिस मैनेजमेंट के मामला थे वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं पिछले कई सालों से आज से कोई पाँच सात साल पहले की बात है कि सिंध के बहुत बुरे हालात थे सिंध के जो चीटिंग केसेस हैं वो आपके सामने आते थे इवन के न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता था और बाकायदा वीडियोज़ आती थी कि वहाँ पर जो है ना वो चिटिंग केस सामने आ रहा है इसके अलावा वो चिटिंग मटेरियल बच्चों के पास मौजूद होता था जिसे वो चिटिंग करते थे और वहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन में मौजूद जो स्टाफ है वो भी इसके अंदर जो है वो मुलिस होता था इसके अलावा पिछले दो तीन सालों से देखने में आ रहा है कि पंजाब के भी जितने बोर्ड्स हैं उनमें भी इस तरह के काम होना शुरू हो गए जिस तरह से आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने लास्ट ईयर वीडियोज़ दो तीन बनाई थी और आपने मुख्तलि बोर्ड्स की जिसमें मैंने बताया था कि पेपर लीक आउट हो गया और उन्होंने कैंसिल कर दिया नाइन्थ में एक दो पेपर्स ऐसे हुए फर्स्ट ईयर में एक दो पेपर्स ऐसे हुए एक पेपर टेंथ में ऐसे हुआ डिफरेंट बोर्ड्स में कभी बाहलपुर बोर्ड में कोई वाक्य हो गया कभी के के बोर्ड में कोई वाक्य हो गया तो वाक्य से मुराद है कि पेपर लीक आउट हो गया पेपर स्टार्ट होने से कुछ देर पहले चंद घंटे पहले पेपर लीक आउट हो जाता था और ये किसकी तरफ से होता था ऑब्वियसली जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद है उसकी वजह से तो बहुत सारी कंप्लेंस जो है ना वो गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं और वक्तन फवक्तन जो है ना वो कम्प्लें उनके पास दर्ज की जा रही हैं इसके ऊपर उन्होंने फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट की सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या फैसला किया और फिर सिंध ने इसके ऊपर क्या फैसला किया इस फैसले के बाद काफ़ी हद तक हमारे जो चिटिंग के मामला हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चंद सालों में वो इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इन ये काफ़ी हद तक नाइन्टी तक ये चिटिंग वाले मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और करप्शन के जो दरवाज़े हैं वो वो भी बंद हो जाएंगे जब भी पेपर लीक आउट होता है तो बोर्ड के अंदर जो लोग मौजूद हैं वही ये काम करते हैं मैं बजाते है, ख़ुद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने पैसे देकर पेपर किया और उसमें पास भी हो गया चिटिंग मटेरियल साथ लेकर गए और वहाँ पर जाकर जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको पैसे दिए सुपरटेंडेंट को पैसे दिए और चिटिंग कर ली और पास हो गए मैं खुद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ आप भी जानते होंगे तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया है जो कि आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं ये सी सी टी वी कैमराज के हवाले से है जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे बोर्ड के उनमें सी सी टी वी कैमराज को लगाया जाएगा ताकि ये जो चीटिंग के मामला हैं इनको मिनिमाइज़ किया जा सके इसमें एक चीज़ जन में रखिएगा कि एकदम से तमाम स्कूल्स में तमाम कॉलेज़ में तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स में यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन सेंटर्स में बोर्ड्स के एग्जामिनेशन सेंटर्स में एकदम से कैमराज लगाना पॉसिबल नहीं है लेकिन सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बोर्ड के जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं जो उनके अपने वहाँ पर और उसके बाद फिर जो बाकी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनको ये कहा जाएगा कि आपका चूँकि सेंटर बना करेगा तो इसलिए आपके भी क्लास में और एग्ज़ामिनेशन हॉल्स में कैमराज होने चाहिए जो सी सी टी वी कैमराज हैं ऑब्वियसली इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो एक बजट पास करेगी और फिर इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा लेकिन ये एक एक लेंथी प्रोसेस है एकदम से पॉसिबल नहीं है यानी आप ये ना समझें कि इस साल से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा ये अगले साल से फिर उससे अगले साल से थोड़ा थोड़ा करके इसको अप्लाई किया जाएगा और फिर आपको पता है इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी होती है कैमरास ख़राब भी होते हैं लेकिन एक चीज़ जेन में रखिएगा कि अगर कहीं पर कैमरा नहीं भी चल रहा तो वहाँ पर एक डर होता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है तो इसलिए वहाँ पर जो एग्जामिनर्स हैं जो वहाँ पर इन्विजिलेटर्स हैं जो सुपरडेंट हैं और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि कैमरा लगा हुआ है तो हो सकता है कि चल रहा हो इसलिए जब कैमरा होगा तो फिर काफ़ी हद तक ये मामला ख़त्म हो जाएंगे इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है जो सिंध के तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि अब से जो ये जो पेपर लेने वाले अदारे हैं हमारे जिन्हें जो, जो बोर्ड्स हैं जो पेपर लेते हैं अब वो ये पेपर नहीं लेंगे बल्कि पेपर जो है वो आउटसोर्स करवाए जाएंगे आउटसोर्स से ये मुराद है कि किसी प्राइवेट कंपनी को कहा जाएगा कि भई आप आएँ और आप ये पेपर्स लें सारे हम आपको पैसे पे करते हैं आप खुद ही कंडक्ट करवाएँ और ये सारे मामला आपके सुपुर दें आपने ही पेपर लेने हैं आपने ही शीट्स प्रोवाइड करनी है आपने ही क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रिंट करने हैं पेपर यहीं से बनेगा बोर्ड वाले ही बनाएंगे लेकिन जो शीट्स वगैरह हैं और जो क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं वो सारे आप ही प्रिंट करेंगे और स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट्स उनके सेंटर बनाना और ये जितना भी सारा मामला होता है एग्जामिनेशन के हवाले से वो सारा आप ही करेंगे अब जब प्राइवेट कंपनी काम करेगी तो प्राइवेट कंपनी को ये पता होगा कि मैंने ये काम बिल्कुल ईमानदारी से करना है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा और इस पर बिडिंग की जाएगी ठीक है और जाहिर सी बात है जो प्राइवेट कंपनी अच्छा काम करेगी नेक्स्ट ईयर भी उसको उसी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि उस, उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इस वजह से प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो उसको अच्छा कर लेती हैं और उनके पास जो स्टाफ है वो भी चूंकि प्राइवेट होगा तो प्राइवेट में ज़रा ये मामला तो रिस्ट्रिक्ट होते हैं इस वजह से अब प्राइवेट कंपनी को देने का फ़ैसला किया गया है लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है कि इस साल से होता है या अगले साल से होता है या उससे अगले साल से होता है लेकिन एक समरी बन गई इसके ऊपर नोटिफिकेशन बन गया आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जितनी भी करप्शन हुई और जो मिसमेनेजमेंट हुई पिछले दिनों पिछले साल उससे पिछले साल और कई सालों से चलती आ रही है जिसकी बहुत सारी शिकायात सिंध गवर्नमेंट के पास दर्ज हैं और इससे सिंध गवर्नमेंट का भी नाम ख़राब हो रहा है इस वजह से गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से अब बोर्ड वाले जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम किसी प्राइवेट निजी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे और वही जो है वो इसके ऊपर अमल करेंगे और पेपर लेंगे उनकी स्वाबदीद होगी वो जैसे मर्ज़ी पेपर लें लेकिन अगर वो सही पेपर लेंगे तो ऑबियसली जो जो इनकी निगरानी के लिए बोर्ड से बंधे जाएंगे जो बोर्ड के एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं वो इनकी निगरानी करेंगे जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं इनको छोड़ेंगे लेकिन पेपर जो हैं वो बिल्कुल चिटिंग से पा पाक होने चाहिए और उसमें शफाफियत होनी चाहिए तो ये फ़ैसला इस वजह से किया गया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो दो नंबरी से बच सकें और जो वाकई डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को आगे आना चाहिए और जो नॉन डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको चिटिंग के ज़रिए से पास ना किया जाए उम्मीद है कि आपको भी ये फ़ैसला अच्छा लगा होगा और अगर आपके पास भी कुछ चिटिंग केसेस हैं जो कि आप भी जानते होंगे ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह